हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के की रोटी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं पैन लूंगी। पैन में हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पानी डाल दिया और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरी कटोरी पानी डाल दी। ये देखिए दोस्तों, अब ये गर्म होगा। गर्म होने लगे तो इसमें हम डालेंगे नमक। नमक के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला है और जब ये सब अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लेंगे मक्के के आटा। मक्के का आटा मैंने यहाँ पे 2 कटोरी लिया है, 1.5 कटोरी लिया है। देखिए दोस्तों, बस अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे और हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। और मेरा गैस तो ऑफ हो गया, बस दोस्तों ध्यान रखना है कि इसको हम धीरे धीरे मैश करेंगे। इसमें से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने से थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, चिपकता नहीं है हाथ में भी। ये देखिए दोस्तों, हम हाथ से भी अच्छे से मैश कर लेंगे। जब ये मैश हो जाएगा, ये देखिए एकदम चिकना चिकना डो बन के तैयार हो गया है। और हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। बस अब ये हमारा रेस्ट होगा और फिर जब ये 2-3 मिनट बीत जाएंगे तो हम इसका डो तैयार बनाएंगे पेड़े। और बस ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको 2 भागों में बांट लिया। अब बस ऐसे राउंड राउंड करके हमें इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब सेम दूसरा भी हमको तैयार करना है। ये देखिए दोस्तों, बस इसमें हमको आंसू का आटा लगा के इसको बेलना है। ये सेम रोटी की तरह नहीं बेलेगी तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस इसको आराम आराम से बेलना है ताकि ये फटे ना। और फिर उसके बाद दोस्तों ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। अब हम तवा लेंगे, तवा को गर्म कर लेंगे। यहाँ पे हम डाल दिए रोटी। अब रोटी को अच्छे तरीके से सेकेंगे जैसे हमने रोटी दूसरी वाले सेकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इससे भी दूसरा वाला रोटी मैं बेल रही हूँ, इसको हम सेक लेंगे। और अब सीक रहा है तब तक हम इसे बेल के तैयार कर लेते हैं। ऐसे हमारा टाइम बचता है। ये देखिए दोस्तों, हम इसको तवे पे डाल दिए हैं। बस अब हम इसे दोनों तरीके से सेक लेंगे जैसे हम और भी रोटियां सेकते हैं वैसे ही। इसको दोनों तरीके से, दोनों तरफ से इसको हमें सेकना है ताकि ये कच्चा ना रहे। एकदम आराम से सेकिए दोस्तों। ये देखिए जैसे हम रोटी को घुमा घुमा के सेकते हैं दोनों तरीके, दोनों तरफ से सेम उसी तरीके से हमें इसे भी सेकना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो दूसरा वाला बेला था इसको भी डाल दिया तो ये भी गर्म हो गया है। बस अब हम इसे भी सेक लेंगे ऐसे ही। ये देखिए दोस्तों, हमारा फूल तैयार हो गया है। इतना अच्छा सा फूल गया है, बस हमें कहीं से फटा नहीं रहे, बस बीच में से तो एकदम अच्छे अच्छे रोटी बन के तैयार हो जाएंगे दोस्तों। ये देखिए हमारा दूसरा रोटी सेक के तैयार हो गया है। अब जब मैंने फिर से जो पहले से रोटी बना के रखी है उसको हम डाल देंगे। ऐसे एक के बाद एक करके इसे निकालते रहेंगे और डालते रहेंगे ताकि हमारा ये सिकता रहे आराम से। ये देखिए दोस्तों, ये भी रोटी हमारी फूल गई है। बस दोनों तरीके से हमें अच्छे से सेक लेना है ताकि कच्ची ना रहे। बस हमारा ये रोटी तैयार हो गया है दोस्तों। ये भी सीख के तैयार हो गए। हमको ये चारों तरफ से सेकना है और फिर उसके बाद जब हमारी रोटी बन जाएगी तो हम इसमें घी लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इतनी रोटी तैयार कर ली है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे अब घी लगाएंगे। जो आप खाइए तो इसे इस मक्के की रोटी को तो वैसे सबको पता है सरसों के साथ खाया जाता है। आप अपनी फेवरेट सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा तैयार हो गया है। यहाँ पर हम दोनों रोटियों में घी लगा ले रहे हैं। इसे गर्मा गर्म ही खाइए, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों,
वैसे ही मक्के की रोटी तो घंटों बेचते हैं, फिर भी मुलायम ही रहता है। ये देखिए दोस्तों मैं तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।